हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर्स डे। टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं और 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जन्मदिन पर ही क्यों मनाते हैं? तो आप वो फुल्ली डिटेल्स देखेंगे। हम 5 सितंबर को इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हम अभी देखते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली है, उसकी पूरी लाइफ उसने 14 ईयर टीचर करियर में बिताए थे। वो सोच रहे थे कि कोई भी देश वो उसका अगर टीचर पावरफुल होगा तो वो देश तरक्की करेगा। बिना टीचर्स के कोई भी डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी नहीं है। वो कहते थे अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। नॉलेज के बिना इंसान कुछ नहीं है। उसका डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली का जन्म 1888 में तमिलनाडु के छोटे से गांव में तिरुताड़ी में हुआ था। उसके फादर का नाम रामास्वामी था और उसकी माता का नाम सीताजा था। वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और उनको क्रिश्चियन मिशनरी संस्था में लुथन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखला करवाया था। वो बचपन से ही माइंडेड थे। उनको बाइबल के महत्वपूर्ण अंश थे जो याद रह गए थे और उसके लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया था। और डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली की शादी 16 ईयर में हो चुकी थी। वो मद्रास से आगे पढ़ाई पूरी की, दर्शन शास्त्र में एमए किया था। और डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली मद्रास कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक बन लिए। 1960 में मद्रास कॉलेज के सहायक प्राध्यापक बने और 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। वहाँ पे 1 ईयर ही वर्क किया और फिर इंग्लैंड गए थे। वहाँ इंग्लैंड में एक इंसान ने उसे बोला कि आप बोलते हो हम हिंदू है, हम एक है, सेम है, वो कैसे? हमें देखो, अंग्रेजों पे हम भगवान की कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी है। हम एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा रंग भी एक जैसा है। तब डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने उसको प्यार से उत्तर दिया कि घोड़े होते हैं उसके जो रंग होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, और जो गधे होते हैं उसका रंग एक ही होता है और सब एक ही जैसे होते हैं। और जब वो कलर का बोल रहा था तो उसने बोला कि जो चपाटी है वो पहली जो चपाटी होती है वो गॉड ने कच्ची बनाई थी तो वो अंग्रेज है, और जो दूसरी चपाटी बनाई वो जल गई थी, मीन्स ब्लैक ही है जो अभी ब्लैक लो, और जो तीसरी चपाटी बनाई थी वो ना तो जली थी और ना ही कच्ची थी, तो वो जो तीसरी चपाटी है वो हम इंडियन है। वो अंग्रेज समझ गया कि डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली कहना क्या चाहते हैं और वो चुप हो गया। वैसे ही डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली को भारत संस्कृति पे नाज था और जिस कॉलेज में उसने एमए किया हुआ था वहाँ के उपकुलपति बनाए गए। और डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली विवेकानंद और वीर सावरकर से प्रभावित थे और नेहरू जी ने उनको इंसिस्ट किया कि आप सोवियत संघ ज्वाइन कर लो, और उसके कहने पर उसने सोवियत संघ ज्वाइन किया, मीन्स के राजनीति ज्वाइन की। और 1952 में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद उसका काम को सराहा गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1962 में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली को प्रेसिडेंट बनाया गया। और गणतंत्र दिवस 1967 में डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली संबोधित कर रहे थे, तब उसने कहा कि अब वो किसी भी सत्र में राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, मीन्स वो राजनीति छोड़ रहे हैं। और 17 अप्रैल 1975 में उसकी डेथ हुई थी और अमेरिकन सरकार द्वारा उनको टेम्पलटन मीन्स मरणोत्तर अवार्ड उनको मिला था, पुरस्कार मिला था। ये थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली।
तो अगर मित्रों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।